पी नरसिंहानंद के बयान के बाद सियासी हलचल पैदा हो गई है। अलीगढ़ में लगातार लोगों के द्वारा यती नरसिंहानंद पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। वही अलीगढ़ की बात कही जाए तो अलीगढ़ में ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया जिसमें उनके द्वारा यती नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वही दूसरे अन्य संगठनों के द्वारा भी कार्रवाई की मांग को तेज कर दिया। जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारियों के द्वारा एडीएम सिटी को ज्ञापन देते हुए यती नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वही कांग्रेस के द्वारा भी पूरे मामले में तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें यती नरसिंहानंद के द्वारा हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मुस्लिम समुदाय के जो पैगंबर हैं उनको लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद देश भर के मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त होता है। अगर अलीगढ़ की बात कही जाए तो आज ही अलीगढ़ के लोगों के साथ साथ फिर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी कार्रवाई की मांग को तेज कर दिया है। वही सलमान साहिब के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया यती नरसिंहानंद के द्वारा उपचुनावों से पहले ये बयानबाजी की जा रही है। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना कासमी साहब के द्वारा बताया गया जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, इस बयानबाजी के पीछे नफरत को बढ़ावा देना है। लगातार नफरत को बढ़ावा देने के लिए ये साजिश रची जा रही है। मौजूदा सरकार नफरत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ तत्काल रोक लगाते हुए उचित कार्रवाई करे, ऐसा ऑल इंडिया इस्लामिक जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन के पदाधिकारी उनके द्वारा भी कहा गया है। अब देखना ही होगा आके कार्रवाई होगी या फिर नहीं, किस तरह की कार्रवाई। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं और इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। बहुत अच्छे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए हम सब लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा उसको हिंदुस्तान का मुसलमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस महंत की बात की जा रही है वो भाषा एक महंत की हो ही नहीं सकती, वो भाषा एक गुंडे की है, एक टपोरे की है। उस महंत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। चूंकि इस समय इस्लाम के खिलाफ मुसलमान के खिलाफ इस देश में एक मुहिम चलाई जा रही है, इससे पहले भी कोई रामगिरी नाम के महंत थे, उन्होंने भी नबी की शान में गुस्ताखी की थी। मुकदमा कायम होना कोई विषय नहीं है, मुकदमा कायम होने के बाद कार्रवाई क्या हुई हम इसकी मांग करने आए हैं। और लगातार हर महंत जो समाज को बांटना चाहता है, महंत और भी हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, कोई धर्म समाज को बांटने के लिए नहीं कहता, ना सनातन धर्म कहता, लेकिन चूंकि जो समाज के स्वयंभू ठेकेदार हैं जो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए उन्होंने इस तरह की गुस्ताखियाँ की हैं, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है। तो आज जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है ये सिर्फ एक सांकेतिक है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो अलीगढ़ की आवाम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का काम करेगी। क्योंकि हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती कि जो आदमी हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करे हम उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अगर हम उसके विरोध में किसी भी हद तक जाना पड़े अलीगढ़ का मुसलमान जाने के लिए तैयार है। की मांग कर रहे हैं आज क्या? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है और हमारी नहीं बल्कि ये पूरी कौम का डिमांड है, और पूरी कौम ही नहीं बल्कि इस मुल्क भारत में रहने वाले हर उस शख्स की आवाज़ है। वो कैसे कि अगर कोई इस मुल्क की फिज़ा को ख़राब करने की कोशिश करे, ख़ाह वो मुस्लिम हो या हिंदू, किसी भी धर्म का शख्स हो, तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, आज भी कल भी और हमेशा खड़े होते रहेंगे। इसी तरह से यती नरसिंहानंद जो अपने आप को मतलब पुजारी कहता है, भक्त कहता है, मुझे तो शर्म आती है और उनका नाम लेने भी मुझे शर्म आ रही है। उस गंदे शख्स का मैं नाम अपनी पाक जबान से लूं कि जिस जबान से नबी का नाम लिया जाए, लेकिन फिर भी कह, बात असल में यह है कि उन्होंने अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हमारे नबी का सहारा लिया। अरे अगर तुम्हें सहारा लेना ही है, अगर तुम्हें हमारे नबी के आश्रम में आना ही है,
तो नबी के दिए हुए अखलाक को अपना लो, फिर देखो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये क्या तरीका है, तुम नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हो। मैं ज़िला प्रशासन से और गाज़ियाबाद के ज़िला अधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं अपील करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और केंद्र सरकार से भी, आपको नहीं मालूम है कि जो लोग इस तरह से आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे मुसलमानों को क्या आहत होगी, कितनी तकलीफ होगी, और वो भी पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम जिनसे हमारी मतलब अकीदे जुड़े हुए हैं, जो उनकी उनके नाम पर हम लोग मरने मिटने को तैयार हैं। क्या हम लोग भी तो सीने में दिल रखते हैं, हम भी तो अपने बाजू में ताकत रखते हैं, लेकिन नहीं, इसलिए हम इस मुल्क में खूबसूरत फिजा को बनाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। यति नरसिंहानंद पर मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, तो अब किस तरह की मांग कर रहे हैं? भाई मुकदमा दर्ज हो तो चुका है, लेकिन उसको जेल की सलाखों में जाना चाहिए था, उनको कैदियों की तरह उनकी सजा होनी चाहिए थी जिन्होंने मुल्क की फिजा को खराब करने की कोशिश की है। तो याद रखिए कि इस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ मत कीजिए, हम मुसलमान हैं और हम मानने वाले और हमेशा मानते आए हैं, ये हमें हमारे इस्लाम ने सिखाया है, और अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, इसमें ये यति नरसिंहानंद है, उनके द्वारा जो है इनका कहना है अमर्यादित टिप्पणी की गई है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग है, उसको संज्ञानित किया गया है, आवश्यक कार्रवाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।